हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिनभर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पर अड़े पहलवाना बजरंग पुनिया बोले 15 जून तक समाधान नहीं हुआ तो फिर से जंतर मंतर पर देंगे धरना। तो वहीं पहलवान साक्षी मलिक ने दे दिया अल्टीमेटम, कहा जब तक सारे मुद्दे नहीं सुलझेंगे तब तक हम एशियन गेम्स नहीं खेलेंगे। वहीं 2024 में मंडल बनाम कमंडल वाली होगी फाइट, नीतीश कुमार रोकेंगे पीएम मोदी का रथ। तो उधर लोकसभा चुनाव में हो सकता है बड़ा खेल, हनुमान बेनीवाल करेंगे बड़ा उलटफेर। तो वहीं पटना में विपक्षी दलों की बैठक को लेकर कपिल सिब्बल ने कर दिया बड़ा फैसला। तो उधर विपक्षी दलों पर भड़के कैलाश चौधरी, बोले प्रधानमंत्री चेहरा अनाउंस होते ही बिखर जाएगा पूरा विपक्ष का पिटारा। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पहलवानों के समर्थन में शनिवार को हरियाणा के सोनीपत में महापंचायत हुई। इसमें फैसला हुआ कि 15 जून तक सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो आगे की रणनीति का ऐलान किया जाएगा। इसी बीच पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने महापंचायत में WFI के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। बजरंग पुनिया ने महापंचायत में कहा कि ये बहन बेटियों के मान सम्मान की बात है, इस आंदोलन में हम दिल से लगे हैं, कोई राजनीति नहीं कर रहे। बजरंग पुनिया ने कहा कि मुद्दे पर बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 15 जून तक यदि सरकार समाधान नहीं निकालती है तो हम फिर से जंतर मंतर पर धरना देंगे। उन्होंने कहा कि हम 16 और 17 जून को अपने अगले कदम को लेकर घोषणा करेंगे। बजरंग पुनिया ने सोनीपत में हुई महापंचायत के दौरान दावा किया कि सभी खाप पंचायतें और किसान संगठन अगले फैसले को लेकर हमारी कॉल का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी तक ऐसे ही चलता रहेगा। अगली बड़ी खबर, पहलवान साक्षी मलिक ने भी सरकार को दे दिया अल्टीमेटम, कहा जब तक सारे मुद्दे नहीं सुलझेंगे तब तक हम एशियन गेम नहीं खेलेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पहलवानों के समर्थन में शनिवार को हरियाणा के सोनीपत में महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि हम एशियन गेम्स तभी खेलेंगे जब ये सारा मुद्दा सुलझेगा। पहलवान यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर WFI के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। साक्षी मलिक ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। साक्षी मलिक ने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह अगर बाहर रहेगा तो डर का माहौल बना रहेगा, हमें लोगों का समर्थन मिल रहा है, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एशियन गेम्स तभी खेलेंगे जब ये सारा मुद्दा सुलझेगा। अगली बड़ी खबर, 2024 में मंडल बनाम कमंडल वाली होगी फाइट, नीतीश कुमार रोकेंगे पीएम मोदी का रथ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त है लेकिन इसके लिए तर्कस कसने अभी से शुरू हो गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी का रथ रोकने के लिए विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं और इसके लिए 23 जून को विपक्षी दलों की बड़ी बैठक बुलाई गई है। लेकिन पटना में होने वाली ग्रैंड अपोजिशन मीटिंग से पहले ही तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मोदी के चैलेंजर के तौर पर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नीतीश कुमार ही मोदी का रथ रोकेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई होने वाली है, और सवाल यह भी है कि नीतीश कुमार क्या पीएम मोदी का रथ रोक पाएंगे। आपको बता दें कि कोई 1990 की आडवाणी की रथ यात्रा की याद दिला रहा है तो कोई कह रहा है कि बिहार में 2015 वाला सीन बीजेपी के साथ में रिपीट होने वाला है। बयानों की ये गोलियां लोकसभा चुनाव में मोदी के मजबूत किले को भेदने के लिए चलाई जा रही हैं और बार बार सभी विपक्षी दल के नेताओं को बिहार मॉडल की याद भी दिलाई जा रही है। तेजस्वी यादव ने तो सीधे चैलेंज पेश करते हुए कहा कि देश किसी के बाप का नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने लालकृष्ण आडवाणी का रथ रोका था, अब नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार उसी तरीके से मोदी के रथ को रोकेगी। अगर ये लोग फिर से सत्ता में आ जाएंगे तो देश को बर्बाद कर देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि इसे रोकने का काम नीतीश कुमार करेंगे। अगली बड़ी खबर, पटना में विपक्षी दलों की बैठक को लेकर कपिल सिब्बल ने कर दिया बड़ा खुलासा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं बीजेपी के साथ साथ विभिन्न दलों के नेताओं के बयानबाजी भी जारी है। नेता एक दूसरे को घेरने और जनता के बीच में अपनी पैठ बनाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते, फिर चाहे वो उड़ीसा ट्रेन हादसे का मामला हो या फिर बिहार के भागलपुर में पुल हादसा हो। पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की अहम बैठक होने जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इस मीटिंग में ज्यादातर विपक्षी दलों के नेता या प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, जहां लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बताया कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार समेत हम सभी चाहते हैं कि विपक्ष एकजुट हो जाए। इस बीच 23 जून को होने वाली बैठक को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दलों ने चर्चा के माध्यम से एक समझौते पर आने का फैसला
किया है ताकि वे 2024 के लोकसभा चुनाव को एक साथ लड़ सकें। कपिल सिब्बल ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि विपक्षी दलों का एक ऐसा ढांचा बनेगा जिससे कि वे इकट्ठा होकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसका ढांचा कैसा होगा, कॉमन एजेंडा कैसा होगा, इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर मुझे मालूम है कि सभी विपक्षी दलों ने अब यह फैसला किया है कि ताकि इकट्ठा होकर हम 2024 का चुनाव लड़ सकें और मोदी सरकार को उखाड़ फेंक सकें। अगली बड़ी खबर, विपक्षी दलों पर जमकर भड़के कैलाश चौधरी, बोले प्रधानमंत्री चेहरा अनान सोते ही बिखर जाएगा विपक्ष का पिटारा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कटिहार में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने विपक्षी एकता पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 प्लस सीटें लेकर आएगी। इस दौरान कैलाश चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के ही नहीं बल्कि विश्व के नेता हैं, इसीलिए देश की जनता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मतदान करेगी और अच्छी संख्या में सीटें आएंगी। कैलाश चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने वाले समय में बीजेपी 400 प्लस सीटें लेकर आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्षी दलों पर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इकट्ठे होंगे और इनका नेतृत्व भी ये तय नहीं कर पाएगा कि इनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। उन्होंने कहा कि सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वे कहीं पर भी टिक नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये सब इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इकट्ठा होकर भी इनका नेतृत्व कौन करेगा। एक बार वो नाम तो उजागर करें, क्या वे राहुल गांधी के नेतृत्व में खड़े होंगे या नीतीश बाबू के नेतृत्व में खड़े होंगे या फिर ममता बनर्जी के नेतृत्व में खड़े होंगे, आखिर किसके नेतृत्व में खड़े होंगे। उन्होंने दावा किया कि एक बार वो नाम अनाउंस कर दें उनका पिटारा बिखर जाएगा, इसीलिए इनके पास में कोई चेहरा भी नहीं है। कैलाश चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी पर जनता विश्वास करती है और नरेंद्र मोदी के विकास में विश्वास करती है और इसीलिए ये सब लोग इकट्ठा होना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर, 2024 के लोकसभा चुनाव में हो सकता है बड़ा खेल, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के लिए हनुमान बेनीवाल करेंगे बड़ा उलटफेर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि नागौर सीट से आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने भ्रष्टाचार के मामले में राज्य की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं बीजेपी पर भी लगातार हमलावर रहे हैं। वो हाल ही में प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ भी नजर आए थे। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर राजस्थान की जनता को लूटने के भी आरोप लगाए हैं। साथ ही हनुमान बेनीवाल ने सचिन पायलट को भी खुला ऑफर दे दिया है। उन्होंने सचिन पायलट से अपनी खुद की नई पार्टी बनाने और उनकी पार्टी से गठबंधन करने का ऑफर दिया है। हनुमान बेनीवाल कांग्रेस पार्टी पर भी जुबानी हमले कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी को धरातल पर अच्छा खासा नुकसान भी पहुंचा चुके हैं और इसका उदाहरण राजस्थान में हुए विधानसभा चुनावों में देखने को मिला है, जिसके बाद उसे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जाट बहुल वाली सीटों को लेकर बीजेपी में और कांग्रेस में चिंताएं बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि देश में अगले वर्ष लोकसभा चुनाव कराए जाने हैं। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, यहां चुनाव में जाट वोटर और जाट नेता दोनों ही अहम भूमिका निभाते हैं, इसीलिए हनुमान बेनीवाल 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, अधीर रंजन चौधरी ने की बड़ी मांग, कहा पंचायत चुनाव में की जाए केंद्र बलों की तैनाती। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर हिंसा तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर चुनाव के लिए केंद्र बलों की तैनाती की मांग की है। कल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक कांग्रेस कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत के चुनाव होने हैं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मुर्शिदाबाद के खारग्राम में कांग्रेस के एक सक्रिय कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, पंचायत चुनाव को देखते हुए यह किया गया। हत्या के आरोपी को खारग्राम प्रशासन का संरक्षण मिला है, जिसके बाद इस हत्या को अंजाम दिया गया। हम इसे लेकर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस बुलेट निर्वाचन चाहती है या बैलेट निर्वाचन चाहती है, हम तृणमूल कांग्रेस को ये खून की राजनीति नहीं करने देंगे। अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर चुनाव के लिए केंद्र बलों की तैनाती की मांग की है। अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, अब दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों को भी मिलेगा वोट डालने का अधिकार, योजना पर किया जा रहा काम। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय चुनाव आयोग अब प्रवासी भारतीयों को वोटिंग करने का अधिकार देने की योजना बना रहा है। इलेक्शन कमीशन के चीफ राजीव कुमार ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों को वोट करने का अधिकार देने की मांग लंबे समय से की जा रही है, जिसके बाद अब चुनाव आयोग इसे पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत को अपने 1.34 करोड़ से ज्यादा प्रवासी वोटर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैलेट सिस्टम के माध्यम से चुनाव में हिस्सा लेने के लिए टेक्नोलॉजी मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस योजना को सच
करने में IFS और दुनिया भर में मौजूद दूतावासों की भी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इलेक्शन कमीशन के चीफ राजीव कुमार ने आगे कहा कि चुनाव निकाय ने पिछले कई सालों में दुनिया भर में लोकतंत्र को आगे बढ़ाने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण रोल निभाया है। उन्होंने कहा कि ये मांग काफी समय से की जा रही है कि प्रवासी भारतीयों यानी दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों को भी भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में शामिल किया जाए और उन्हें वोट देने का अधिकार दिया जाए, जिसके बाद अब ये योजना पूरे तरीके से करने के लिए तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि फिलहाल दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों को भी अब भारत में जल्द ही वोट करने का अधिकार मिलेगा। अगली बड़ी खबर, अध्यादेश बहाना, 2024 पर है निशाना, एक बार फिर रामलीला मैदान पर केजरीवाल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली का रामलीला मैदान वो जगह है जिसने 12 साल पहले अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी का खास चेहरा बना दिया। वो अन्ना आंदोलन का समय था। रामलीला मैदान के मंच से जब केजरीवाल बोलते थे तो उसमें कोई नेता जैसी बात नहीं थी, लेकिन उन्हें हर कोई सुनना चाहता था। कभी राजनीति में ना जाने की बात करने वाले केजरीवाल जब पार्टी बनाकर राजनीति में उतरे तो ऐसी शानदार एंट्री की कि सभी रह गए। अब 12 साल के बाद केजरीवाल फिर से उसी रामलीला मैदान पर लौट रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने रविवार 11 जून को रामलीला मैदान पर बड़ी रैली बुलाई है। शपथ ग्रहण समारोह को छोड़ दिया जाए तो अन्ना आंदोलन के बाद से ये पहला मौका है जब केजरीवाल रामलीला मैदान पर किसी राजनीतिक रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। उनकी पार्टी कई चुनौतियों का सामना कर रही है। इस बार जब वे रामलीला मैदान पर होंगे तो पहले के कई साथी उनके साथ में नजर नहीं आएंगे, कुछ साथ नहीं तो कुछ जेल में है, जिनमें सबसे विश्वसनीय और करीबी माने जाने वाले मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह रैली केंद्र सरकार के उस नए अध्यादेश के खिलाफ जन समर्थन इकट्ठा करने के लिए है, जिसके जरिए दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियां कम करने की कोशिश की गई है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक इसे 2024 के लिए अरविंद केजरीवाल को अभियान की शुरुआत के तौर पर देख रहे हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के बाद अब बीजेपी ने भी पकड़ी आम आदमी पार्टी की राह। अरविंद केजरीवाल बोले ये अच्छी बात है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ बीजेपी भी आम आदमी पार्टी के बताए रास्ते पर चलने लगी है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की गारंटी आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र की नकल थी और अब मध्य प्रदेश में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की राह पकड़ ली है। अच्छी बात है, जनता का भला होना चाहिए, चाहे ये पार्टी करे या वो पार्टी करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट ऐसे समय में आया है जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना का आगाज कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जबलपुर से लाडली बहना योजना के तहत क्लिक दबाकर प्रदेश की 125,000 बहनों के खाते में 1,000 रुपए डाल दिए हैं। इस योजना को लेकर पूरी प्रदेश भाजपा सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बेहद उत्साहित हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। ऐसी ही रोजाना की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।